वक्त दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जस्टिस मोहसिन अख्तर ग्यानी का एक और खत मंजर आम पर आ गया है जो उन्होंने चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको तहरीर किया है। और ये खत उस वक्त मंजर आम पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की सरबराही में बेंच जो है वो 6 जजेस के खत की समाअत कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर ग्यानी साहब ने यह जो नया शगुफा छोड़ा है इसको एक खास पर्सपेक्टिव में देखना और इस शगुफे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई के साथ मिलाकर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। लिहाजा अगर आप गौर करें तो मुझे इस तरह के इशारे मिल रहे हैं जैसे पाकिस्तान की अदलिया में एक नई पावर ट्राइका मंजरे आम पर आ रही है और वो पावर ट्राइका इनफैक्ट पाकिस्तान के निजाम में अदल को कंट्रोल भी कर रही है और वो पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पावर शेयरिंग के फार्मूले के ऊपर अब निगोशिएट करती हुई नजर आ रही है। मौजूदा सूरत हाल में अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह जो ट्राइका है इसके खदोखाल के अंदर मुझे बुनियादी तौर पर 3 ऐसे जजेस नजर आ रहे हैं जो फ्रंट पर आकर इस ट्राइका को लीड कर रहे हैं और उन जजेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं, जबकि दूसरे जज हैं जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब और तीसरे जज हैं जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब। और अगर आप गौर करें इन्हीं 3 जज साहेबान को लेकर ही पाकिस्तान में शहरी आजादी, सियासी आजादी और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो माहौल है उसकी तश्कील जो है ना वो होना तय पाया है। मौजूदा सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस की तरफ से उठाए जाने वाले मुदाखलत के सवाल पर बातचीत हो रही है और इस बात का कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि जब इस मुदाखलत के मुबैना मुदाखलत के जिसका इजहार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान की तरफ से सामने आ रहा है उसके रास्ते में दीवार कैसे खड़ी की जाए और किस तरीके से इस मुदाखलत को रोका जाए, जबकि दूसरी ने मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही दबाव में लाने के लिए जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या जनाब उस मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस केस के हवाले से समात हो रही है जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब का एक और खत सामने आना और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नाम पर उस खत का तहरीर फरमाना, क्या यह इस बात का सबूत नहीं कि अदलिया के अंदर भी मुदाखलत है और जज साहिबान भी अदालती कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं कैसे, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब तक ये जो 6 जजेस का खत है इसकी 3 समातें हो चुकी हैं, तीसरी समात आज थी और इस समात के अंदर भी इस मरतबा जो वकला तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये जो 6 जजेस के खतूत हैं इनके बारे में राय दी गई और इस बात का इजहार किया गया कि जनाब इसके रास्ते में रुकावट कैसे पैदा करनी है। अलबत्ता तीसरी समात का अभी ऑर्डर सामने नहीं आया और इससे पहले जो 2 समातें हो चुकी हैं इन दोनों के ऑर्डर्स भी सामने आए हैं और इन दोनों ऑर्डर्स पर एक जज साहब की तरफ से एतराज किया गया है और वो या उसके ऊपर एक इजाफी तहरीर लिखी गई है और ये जज साहब कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं और अतर मिनल्ला साहब ने पिछली समात के ऑर्डर के ऊपर भी एक इजाफी नोट लिखा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस मौके पर एक दिलचस्प कैफियत पैदा हो गई जब अचानक ही अदालत को इस बारे में पता चला कि जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक इजाफी नोट भी तहरीर कर दिया है जिस पर अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि जनाब आप इस नोट को पढ़ें और अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो उस नोट को पढ़ने में जरा शायद हिचकिचा रहे थे या उनसे वो जनाब अतर मिनल्ला साहब की जो तहरीर थी वो पढ़ी नहीं जा रही थी, जिस पर जनाब अतर मिनल्ला साहब ने खुद इस बात का इजहार किया कि जनाब ये मेरी तहरीर बहुत ही बुरी है लिहाजा इस तहरीर को मैं खुद ही पढ़ सकता हूं, जिस पर बेंच में शामिल जनाब जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी इस बात की दी की और उन्होंने अज़राए मजाक इस बात का जिक्र किया कि वाकईतन अतर मिनल्ला साहब आपकी तहरीर बहुत ही ज्यादा शिकस्ता है, जिसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने वो जो इजाफी नोट लिखा था वो उन्होंने खुद पढ़कर अदालत को सुनाया जिसके बुनियादी निकात इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अतर मिनल्ला साहब की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तमाम किरदारों को फ्रॉम टॉप टू बॉटम उनको लाकर अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए और उनको जो है वो फाई लगा दिया जाए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से दबाव में लाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक खास सियासी ग्रोह को किसी तरह की सियासी आजादियां मिल सके, क्योंकि इस वक्त जो दिल के अंदर जमहूरियत के दर्द जागे हुए हैं
इसका सारे की सारी वजूहात ही इस वजह से है कि एक सियासी ग्रोह को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सियासी आज़ादियाँ अवेलेबल नहीं हैं, और शायद यही वो इनफैक्ट वो कीड़ा है जो किसी न किसी जगह पर कुल बुला रहा है। जनाब अदम नल्ला साहब का जो इजाफी नोट उन्होंने मुसलसल दूसरी मरतबा तहरीर किया है, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि मुदाखलत अब भी हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जिन 6 जजेस की तरफ से मुदाखलत का इजहार किया गया था, वो मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी इस समात के बाद भी ना कम होती हुई नजर आ रही है और ना ही इस मुदाखलत के रास्ते में कोई बंद बनाया जा रहा है। इस मौके पर जब जनाब जस्टिस अतर मिनला साहब अपना इजाफी नोट पढ़ रहे थे तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनको इंटरप्ट किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रियासत और हुकूमत इस मुबैना मुदाखलत को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे, जिस पर जनाब अतर मिनला साहब का फिर यह कहना था कि ये 6 जजेस का मामला नहीं, ये एक अमल है जो जारी है और इसके रास्ते में रुकावट जो है वो खड़ी करना होगी, ये एक ऐसा मामला नहीं है जिसको किसी धरने से रोका जा सके। अवाम को सच जानना चाहिए और तमाम हाई कोर्ट्स ने भी इन तमाम इल्जामात को अपनी अपनी रिपोर्ट्स में दोहराया है, बल्कि एक हाई कोर्ट की तरफ से तो इस बात का जिक्र भी किया गया है कि जो जजेस हैं उनके साथ की जाने वाली मुदाखलत आईन को सबूताज करने के मुतरादिफ है। जनाब अतर मिनला साहब ने अपने इजाफी नोट में यह भी लिखा है कि आईन को सबूताज करना जो है वो उसको किसी भी तौर पर उसको कबूल नहीं किया जा सकता, हकीकत बहुत सारी चीज़ों से मुख्तलिफ है और हकीकत क्या है यह हम सब जानते हैं। इसका मतलब यह है कि बादी नज़र में जनाब अतर मिनला साहब ने इस मुबैना मुदाखलत का तमाम तर मलबा पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके सर मंड दिया है, जबकि वो खुद अदालत के अंदर अदलिया में मौजूद मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुदाखलत को अपनाए जाने वाले टूल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की अदलिया के अंदर चाहे वो लोअर जुडिशरी है या वो अपर जुडिशरी है वहां पर मुदाखलत नहीं है? क्या जनाब अतर मिनला साहब जनाब परवेज इलाही साहब की उस टेलीफोन कॉल को नजरअंदाज कर गए हैं जो उन्होंने अल मारूफ ट्रकों वाली सरकार को की थी और इस गुफ्तगू के अंदर इस बात का इजहार किया गया था कि जनाब हम जनाब मोहम्मद खान भट्टी का केस हमें फला अदालत के अंदर लगवाना है और आपकी अदालत के अंदर लगाना है, और फिर जनाब जहांगीर जोजा साहब के साथ जनाब परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू बतौर चीफ मिनिस्टर भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जहां पर जनाब परवेज इलाही साहब जहांगीर जोजा से बात कर रहे हैं और उनको इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि जनाब मोहम्मद खान भट्टी का केस जो है वो मुजार अली अकबर नकवी के पास लगना चाहिए, और जहांगीर जोजा साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये केस मुजार अली अकबर नकवी साहब के पास लगे। तो जनाब इससे बढ़कर और मुदाखलत का क्या सबूत है? क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी किरदार हैं बजरिया वकला और खासतौर पर वो जो चैंबर्स हैं जिनके चैंबर्स से ताल्लुक रखने वाले मुतद्दद वकला इस वक्त मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जजी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, क्या ये बात किसी को ढकी छुपी नहीं? क्या साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो वकला तहरीके सुरखेल माने जाते थे जनाब बिरहाल अब्दुल अजीज शायद उनका नाम था, उनके जो साहबजादे थे वो यहां पर लाहौर के अंदर मुकदमात और जमानतें बेचते हुए पाए नहीं गए थे? क्या जनाब इफ्तिखार ये जो हैं फवाद चौधरी साहब इनके जो कजन जब लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो किस तरीके से लोगों की जमानतों के लिए जो है वो बुकिंग किया करते थे? और ये बातें खुद किताबों के अंदर भी अब हामिद खान साहब की किताब के अंदर ये बात मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुदाखलत खुद अदलिया के अंदर से भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जिस बात जिस ट्राइका का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं ये सब भी उसी मुदाखलत का हिस्सा है। अदरवाइज जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को आज एक नया खत लिखने की जरूरत क्या थी, और खासतौर पर इस खत की टाइमिंग जिसके बारे में शहजाद शौकत साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनका ये सवाल था जब उनके बारे में ये बात सामने आई कि नया खत आ गया, तो उन्होंने कहा जनाब ये खत मीडिया पर कैसे आ गया? ये क्या बात हुई कि जनाब जो एलिगेशंस है वो भी मीडिया पर आते हैं और ख़त भी मीडिया के ज़रिए ही जारी किए जाते हैं ताकि वो जुडिशरी के पास पहुँचे? तो क्या ये अदालतों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं? और ख़ास तौर पर यह ख़त भी उस मौके पर लिखा जाता है जब जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी एक ख़त लिख चुके होते हैं
और वो उस खत के अंदर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब पर इस बात की गुजारिश करते हुए पाए जाते हैं कि जनाब मेरी और मेरी फैमिली के हवाले से जो ग्रीन कार्ड और उनकी नेशनैलिटीज और उनके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स जो सोशल मीडिया पर आए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज की जो फहरिस्त या उनकी प्रॉपर्टीज की जो डिटेल्स सोशल मीडिया पर इस वक्त जेरे गर्दिश कर रही हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट करने के लिए जनाब आमिर फारूक साहब से राबता करते हैं और आमिर फारूक साहब इस बात का इशारा देते हैं कि वो आज ही के दिन में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए एक लार्जर बेंच भी तश्कील देने जा रहे हैं जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के टेम्परेचर को कम करने के लिए अपना रोल प्ले करेगा और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो टेम्परेचर है वो इस वजह से भी अभी तक कम नहीं हो रहा कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो वजाहत दी गई थी वो तो बिल्कुल ही ऐसी साबित हुई जिसकी मिसाल नहीं है, उजरे गुना बदतर अज गुना कि जो आपने जवाब पेश किया है उससे आप खुद ही मुजरिम डिक्लेयर हो गए हैं कि ग्रीन कार्ड है लेकिन ग्रीन कार्ड नेशनैलिटी नहीं है, प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये प्रॉपर्टीज जजी के दौर से पहले बनी है और टैक्स में डिक्लेयर हैं, बच्चे हैं लेकिन वो अमरीकी शहरी हैं, इस बात को भी तो भाई कौन सी ऐसी चीज थी, ऐसा कौन सा झूठ था, ऐसा कौन सा बोहतान था जो आप पर आयद किया गया जिस पर आप इतने ज्यादा गुस्से हो गए। आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, बात खत्म है, उसके ऊपर किसी जगह पर अब कोई बात नहीं हो रही, लेकिन जान जान कर चीजों को हाईलाइट करना यह भी इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब जो माहौल इस वक्त मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और खासतौर पर इस पावर गैंग के साथ अदलिया के इस पावर गैंग के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं वो इस बात को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो पाकबाज इंसान राष्ट्र गो सच्चा खरा पक्का, इनके किसी तरह का कोई इल्जाम इनफैक्ट इस वजह से आयद किया जाता है कि कोई दूसरा है जो पसे पर्दा कुवते हैं वो जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस वक्त मंजर से हटाना चाहती हैं और इस सिनेरियो में जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की एंट्री भी बहुत ही ज्यादा मानी खेज है कि भाई जब जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खुद खत लिख दिया कि जनाब मुझे ये रिजर्वेशन हैं और इसको एड्रेस किया जाए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए तो फिर उसके बाद जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को यह खत लिखकर जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब पर यह दबाव डालने की क्या जरूरत थी कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जिस बात का मुतालबा किया है बराह करम इसको भी जेरे गौर लाया जाए और जनाब इस खत का भी जो है वो जायजा लिया जाए और बदनीयती पर चलाई जाने वाली मुहिम के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और यह सब कुछ इनफैक्ट इसी वजह से हो रहा है कि एक खत का चर्चा भी बहुत ही ज्यादा चल रहा है इस वक्त कि जनाब लोअर जुडिशरी की तरफ से भी एक जो खत है वो तहरीर किया गया है और वो खत इस वक्त जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास पड़ा है और इस खत के अंदर भी जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर मुबैना इल्जाम आयद किए गए हैं। लिहाजा ये जो स्कोर्स है इनको मुख्तलिफ टीयर्स के ऊपर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये जो समात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है ये महज ये जो छह जजेस का जो मुकदमा है ये महज एक जिसे आप समझे कि स्टेज के ऊपर ये सब कुछ एक्ट हो रहा है लेकिन पसे स्टेज क्या चल रहा है, इस ड्रामे का स्क्रिप्ट कैसे कैसे और कहां कहां पर है और इस स्क्रिप्ट के तहत किस किस चीज़ को किस किस तरीके के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा ये अब कुछ ढका छुपा नहीं है। ये स्क्रिप्ट का जो राइटर है वो बिल्कुल वैसे ही अमल कर रहा है जैसे इस स्क्रिप्ट के मास्टरमाइंड ने गुड टू सी यू कहा था 9 मई के वाकयात के बाद, 9 मई के मुबैना सबसे बड़े मुल्जम को अपनी अदालत में बुलाने के लिए जनाब अपनी ही बुलेट प्रूफ मर्सिडीज देकर और अदालत में देखते साथ ही गुड टू सी यू कहा था। यह बिल्कुल वही एजेंडा है जिसको लेकर अब भी अदलिया आगे चल रही है लेकिन इसके रास्ते में रुकावट कैसे पैदा की जाएगी, किस तरीके से इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर ये जो नई ट्राई का मंजर आम पर आ रही है, ये जो एक नई जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट सामने आ रही है इसके रास्ते में कैसे रुकावट पैदा की जाएगी, क्या पाकिस्तान एक नई जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त मुतहम्मल हो सकता है, ये एक अहम सवाल है और मेरा ये ख्याल है कि इस अहम सवाल का जवाब हमें जरूर मिलना चाहिए। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।